अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम कोचिंग चैनल। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जीडी की पोस्ट की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे, जिसमें जीडी 7 और जीडी 11 की सैलरी, उनके रैंक, उनकी ड्यूटी और प्रमोशन का क्या तरीकाकार होगा, और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि अब इन जीडी की पोस्ट के रिटन टेस्ट किस तारीख को होने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले बताती चलूं कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप बनाया गया है। उसका लिंक आपको पिन कमेंट में, यानी कि फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो आप स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर चैनल पर न्यू हैं तो कमिंग डेज में आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास्ट पेपर्स भी अपलोड किए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि पास्ट पेपर हर पोस्ट का आपको यहीं से मिल जाएगा। जीडी 7 की जो पोस्ट है वो कॉन्स्टेबल के इक्वल है, ठीक है, और जीडी 11 की जो पोस्ट है वो एएसआई के इक्वल है। इनका रिटन टेस्ट कब होगा? तो ये रिटन टेस्ट आपका एक माह के अंदर अंदर हो जाएगा। अब वो एक माह कब से स्टार्ट होगा और फिजिकल के ख़त्म होने के फौरन बाद आपको रिटन टेस्ट की स्लिप भी मिल जाएंगी। अब रिटन टेस्ट किस तरह का होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से पेपर आएगा, कहाँ से पेपर बनेगा और कौन से सब्जेक्ट्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रिटन टेस्ट पर अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगी, ठीक है, जिसे आप चेक कर सकेंगे। फिलहाल हर पोस्ट का उसमें मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगी। फिलहाल मैं आपको रिटन टेस्ट की डेट बता दी है कि कब तक है, ठीक है, तो इस वजह से रिटन टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दें। हम रिटन टेस्ट की तैयारी भी करवा रहे हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, बहुत मिनिमम फ़ी में। रिटन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका फाइनल मेडिकल होगा, फिर आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। अगर आप कांस्टेबल यानी कि जीडी 7 की पोस्ट पर सिलेक्ट होते हैं तो प्रमोशन के लिए आपका क्या प्रोसेस होगा? तो प्रमोशन तो आपकी हो सकती है, लेकिन प्रमोशन का जो सिलसिला है वो तकरीबन 7 से 8 साल बाद शुरू होगा। इसमें आप अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, और एएसआई जो यानी कि जीडी 11 की जो पोस्ट है उसकी प्रमोशन 5 साल की ड्यूटी के बाद शुरू हो जाती है। इस दौरान में आप अपनी एजुकेशन बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। इन दोनों की अगर ट्रेनिंग की बात की जाए तो इन दोनों की ट्रेनिंग 1 साल की होती है। 1 साल के दौरान आपको कभी कभी छुट्टी भी मिलती है, ठीक है, मतलब आप घर वालों से आके मिल सकते हैं, कुछ दिनों की छुट्टी मिलती है, ठीक है, और ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन ये है कि मोबाइल फ़ोन जो है वो स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं होता, ठीक है, तो आपको स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वो फ़ोन देते हैं कि ये यूज़ कर लें, घर वालों वगैरह से बात कर लें, ठीक है। और उसके ये है कि इनकी सैलरी की अगर बात कर लें तो जीडी 7 जिसका बेस स्केल जो है 7 है, जो कांस्टेबल के इक्वल है, उसकी सैलरी 35 to 40,000 तक होती है, और जीडी 11 की जो सैलरी है वो 50,000 तक होती है, ठीक है। लेकिन अगर इस डिपार्टमेंट में और भी बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन मिल कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।